नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके अफोर्डेबल के बारे में, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना कुछ अफोर्डेबल आ नहीं रहे थे। तो अभी एक अच्छी लोकेशन का प्रोजेक्ट है, एक के कुछ कह सकते हैं कि ठीक ठाक लोकेशन है, एक कह सकते हैं कि अच्छा बिल्डर है, लेकिन हमें लोकेशन थोड़ी ही समझ नहीं आ रही। तो ये तीन तरीके की चीज़ें हैं और तीनों चीज़ों में ना लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी ही लंबी बनेगी क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ। एक तो बात यह है कि जो राजवीक की वीडियो हमने बनाई थी वही 1 फरवरी को लाइव होने वाला था, वो नहीं हुआ। आज 2-3 दिन बाद लाइव होगा। एक दिन पहले हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि हम 1 फरवरी को लाइव कर देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। अभी वैसे कल आ गया था स्पेस कि हम 3 से 4 दिन के अंदर इसको लाइव करेंगे, राजवीक 79 को। आज 1 फरवरी है, हो सकता है ये वीडियो आपके पास डिले आए। आज 1 फरवरी है और फरवरी की 31 जनवरी की रात को तीन अफोर्डेबल दो अफोर्डेबल और लाइव हो गए हैं। एक है रॉयल ग्रीन सेक्टर 62 गोलकोट एक्सटेंशन रोड, जो कि आप बहुत ही अच्छी लोकेशन के अंदर अफोर्डेबल सर्च कर रहे थे, काफ़ी टाइम से नहीं मिल पा रहे थे। एक है सिग्नेचर ग्लोबल का मिलेनिया 3 सेक्टर 37D के अंदर, उसका भी सेकेंड रो है, उसमें कुल मिला के 29 से 30 यूनिट है 2 BHK की, एक वो ऑप्शन है। अभी आपको विदाउट प्रीमियम के तीन प्रोजेक्ट हैं, मतलब आज दो लाइव हैं, एक और लाइव हो जाएगा 3 से 4 दिन में राजवीक 79 का। अच्छा बात करते हैं रॉयल ग्रीन 62 की। काफ़ी लोग कल से कॉल किए जा रहे हैं कि सर कैसा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आज इसी के बारे में मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ। उससे पहले मैं कुछ क्वेरी हैं मेरी भी हैं आप लोगों से, क्योंकि कल से पूछे ही जा रहे हैं। देखो एक लोकेशन अच्छी है लेकिन उसका बिल्डर हमें समझ नहीं आ रहा। एक बिल्डर की प्रॉपर्टी भी ठीक है और बिल्डर भी ठीक है, एक बिल्डर अच्छा है लेकिन लोकेशन हमें समझ नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं हमें ना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या तो बिल्डर के साथ या फिर लोकेशन के साथ। तो इसके अंदर रिस्क उठा सकते हो तो आप ट्राई करो, क्योंकि तीनों चीज ही ऐसी है। अगर रॉयल ग्रीन के अंदर जाते हैं लोकेशन हमें पसंद आती है लेकिन बिल्डर हमें पसंद नहीं आ रहा है, देगा नहीं देगा समस्या है। सेक्टर 79 राजवीक के अंदर जा रहे हैं, बिल्डर नया है, दो ग्रुप ज्वाइंट होके काम कर रहे हैं, देगा नहीं देगा लोकेशन, लोकेशन भी समझ भी आ रही है और नहीं भी आ रही है, 50-50 मामला है। सेक्टर 37D सिग्नेचर ग्लोबल, बिल्डर बहुत अच्छा है, लोकेशन भी थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, लेकिन उसमें हमें नहीं लगता कि हमारे एप्लीकेशन निकलेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है आप लोगों के साथ कि पता नहीं निकलेंगे नहीं निकलेंगे। वो तो चाहे किसी प्रोजेक्ट के अंदर 100 फ्लैट है और 101 फ्लैट अप्लीकेशन आए हैं, क्या पता वो एक अप्लीकेशन आपका ही हो। आप ना तो 100% ये श्योर हो सकते हैं कि आपका निकलेगा, ना ही आप 100% ये कह सकते हैं कि आपका नहीं निकलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक ड्रॉ सिस्टम के अंदर जा रहे हो। ये सब चीज़ों को छोड़ के सबसे पहले आप देखो कि आपके प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस रिक्वायरमेंट के अंदर जाना चाहते हैं। वो मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ, क्योंकि जो इंसान अपनी नीड के अकॉर्डिंग चलेगा ना, वो कभी भी प्रॉपर्टी के अंदर मार खा ही नहीं सकता। मार वो खाता है जो बिना सोचे समझे ही कहीं ना कहीं पैसा लगा देता है, फिर वो अपने आप को दोष नहीं देता, वो फिर प्रॉपर्टी को दोष देता है जी ये अच्छा नहीं था, बिल्डर अच्छा नहीं था, या इसने ये कर दिया। तो प्रॉपर्टी को भी आप समझो, लोकेशन देखने जाओ, समझ में आएगी आपको, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं लोकेशन पे जाने के बाद, क्योंकि जब आप खुद देखते हो तो बहुत चीज़ें हैं जो डाउट आपके माइंड में चल रहे होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। आपको लगता है कि यहाँ एप्रिसिएशन होगा नहीं होगा। रॉयल ग्रीन का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप न्यूज़ भी सुन रहे होगे कि एक्सटेंशन हो रहा है SPR रोड के ऊपर ना, रीवैम्प का काम चल रहा है। रीवैम्प का मतलब है कि जहाँ पे भी आज रेड लाइट है, जाम लगता है, वहाँ पे फ्लाईओवर बनेंगे। और जो ये रॉयल ग्रीन है ये करीब 300-400 मीटर एक्सटेंशन रोड से अंदर है। अभी आप पाइनर पार्क वाली रेड लाइट से आगे होके फिर जाते हो प्रोजेक्ट पे, लेकिन आने वाले टाइम में ना एक्सटेंशन से 24 मीटर की जो कनेक्टिविटी वो डायरेक्ट होने वाली है। आप लोगों को नहीं पता, अभी आप ये कहोगे नहीं जी ये तो 24 मीटर रोड के अंदर है, बनेगा नहीं, बिल्डर ने अपना रोड पहले से ही बना रखा है। जो पिवोटल का जो प्रोजेक्ट है 62 के अंदर, वो अपना छोटा सा रोड भी नहीं बना पा रहा है,
जबकि इसने तो काफी बड़ा बना के, और ये तो ऑलरेडी रोड के ऊपर है, 18 मीटर रोड के ऊपर, जिसके ऊपर हेरिटेज स्कूल है, बगल में हॉस्पिटल लगता है, दोनों चीजें क्लियर होती हैं। आने वाले टाइम में मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि इनकी कितनी वैल्यू होने वाली है, आप वो वीडियो जरूर देखना। लोकेशन समझाई हुई है, प्रोजेक्ट के बारे में समझाया हुआ है, और ये जो बिल्डर है ना, ये द्वारका एक्सप्रेस वे 37D में इनकी लैंड है, आईसीओ प्लॉट लेके आएंगे वहाँ भी, तो मतलब इनकी कई तरीके की चीजें हैं। और तो और ये देखो कि इतनी अच्छी लोकेशन में और क्या लोगे आप, पूरे एक्सटेंशन रोड पे चले जाओ, आज प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, यही ऑप्शन है, आप इसको अप्लाई कर लो। इसकी एक्चुअल साइट भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ अवेलेबल है और आपको कैसे इसके अंदर अप्लाई करना है। और इसकी स्टेप बाय स्टेप की वीडियो टेलीग्राम चैनल में डली हुई है, इसके लेआउट है वो भी टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके देख लेना। इसकी एफिडेविट डली हुई है, और फिर बाद में हम देखेंगे इसकी एक्चुअल विजिट साइट को, वहाँ पे समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, नहीं गूगल क्रोम के अंदर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपकी ये साइट ओपन हो जाएगी। इस साइट ओपन के बाद यहाँ राइट साइड में ये है अप्लाई ऑनलाइन फॉर ई ड्रो अप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जितने भी ये प्रोजेक्ट लाइव हैं वो दिख जाएंगे। उसके बाद ये रॉयल ग्रीन हाइट 62, और फिर सेकंड ई ड्रो है मिलेनिया 3 का, ठीक है। उससे पहले अगर जब आपको अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन दिखेगा, यहाँ पे अपना अकाउंट बना के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद वहाँ भी आपको ये दिखेंगे, ये प्रोजेक्ट वहाँ पे दिख जाएंगे आपको। और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये कब से है। ये 1 फरवरी 2023 से सुबह 9 बजे लाइव हो गया, और इसकी अप्लीकेशन की एंड डेट है 17 फरवरी 2023 रात के 12 बजे तक। अब प्रोजेक्ट की डिटेल देखने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें है ना कुछ अप्ले, जब आप अकाउंट को लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद है ना एक ऑप्शन आता है, जब आप अप्लीकेशन फिल करते हैं पीएमआई कैटेगरी का, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, पीएमआई सर्टिफिकेट अगर वाइज है तो आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने इसके ऊपर इस कैटेगरी पे क्लिक कर दिया पीएमआई कैटेगरी पे, अगर और आपने पीएमआई सर्टिफिकेट नहीं अप्लाई किया, तो फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, जैसे इन्होंने पहले किए थे। टोटल लैंड एरिया है 5.7 एकड़ का, ये इसका रेरा नंबर है, और इसमें जो बिल्डिंग का जो प्लान था वो 21/1/2022 को अप्रूव हुआ था, ये रजिस्ट्रेशन डेट है रेरा की। उसके बाद अप्लाई सेकंड रो के लिए जो डेट है 1/2/2023 सुबह 9 बजे है, और अप्लीकेशन एंड हो जाएंगे 17 फरवरी को। जो पेमेंट आपकी स्टार्ट होगी वो 1 फरवरी 2023 से होगी, और पेमेंट एंड डेट रहेगी 15 फरवरी 2023 तक, यानी आप 15 जो पेमेंट है वो 15 फरवरी तक आप कर सकते हैं। इसका जो ड्रो होगा आपका 10 मार्च 2023 को शाम के 4 बजे। ये तो आप कंफर्म मत समझो इस चीज़ को, क्योंकि ये बदलती रहती है चीज़ें। इसके अंदर फिर आ जाता है जी 2 BHK में आपकी टोटल 5 यूनिट है, 502 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है, और इसके अंदर जो आपका अमाउंट जाएगा 5% का 1,05,000 रुपये आपका जाएगा, बैल्कनी का 1,000 रुपये, और बैल्कनी का जो साइज है 83 स्क्वायर फीट है। 3 BHK आ जाता है टाइप 1 के अंदर, 264 यूनिट है, 645 कारपेट एरिया है, 4,200 रुपये का रेट है, 121 स्क्वायर फीट की बैल्कनी है, 1,000 रुपये आपका बैल्कनी का रेट है। और उसकी आपका टाइप 2 है जिसके अंदर 36 यूनिट है, 114 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है, 94 की बैल्कनी है, और आपका जो बैल्कनी का जो रेट रहेगा 1,000 रुपये, और बुकिंग अमाउंट 1.29 आपका बुकिंग अमाउंट रहेगा। यहाँ पे इनके है ना डिटेल दिखेंगी, जैसे कि हम देखें 2 BHK का, तो 2 BHK कौन कौन से फ्लोर पे अवेलेबल है यहाँ पे, तो वो देख लेते हैं। इसमें जो फ्लोर है 12 फ्लोर है, 7वां फ्लोर है, 21वां फ्लोर है, 6ठा फ्लोर है, और 14वां फ्लोर है, और ये टावर है, टावर वाइज A, B, C, C और D। इसका पूरा ब्रोशर मैं डाल दूंगा चैनल के अंदर। और अगर हम देखें 3 BHK के इस टाइप की, तो आप ऐसे देख ऐसे करके ना देख लेना, तो देख आप अच्छी तरह समझ जाओगे। ये फ्लोर वाइज हो गए, हम देखते हैं एक्चुअल साइट की, साइट के ऊपर कितना काम हो चुका है, किस टाइप से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, कौन कौन से टावरों की चल रही है, वो एक बार देख लेते हैं। दोस्तों ये साइट है रॉयल ग्रीन की, और अभी जो कंस्ट्रक्शन आप जो देख रहे हैं, ये टावर यहाँ पे 2, 3,
का काम चल रहा है यहाँ पे, और ये वो 24 मीटर रोड है जो बनना है इसके साइड से, और पीछे चला जाता है आपका MR की तरफ और फिर सीधा AIPL, तो दूसरे 60 मीटर रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट निकल जाता है। ये अभी बेसमेंट का काम चल रहा है इसके ऊपर, टावर 2 और 3 का। 1 नंबर टावर का भी काम शुरू नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ पे इन्होंने सरिया वगैरह है वो सब डाले हुए हैं। ये हाई राइज अपार्टमेंट है, पाइनियर पार्क है, प्रीजीडिया है, और ये रोड सीधा यहाँ पे 18 मीटर रोड के ऊपर खड़ा कनेक्ट हो जाता है। और साइड में जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये है स्प्लेंडर की जो स्टक हो गया है, ये इसका बेसमेंट का काम चल रहा है। इस हिसाब से ये बेस बन रहा है इसका, क्योंकि जब नवंबर दिसंबर में MGT ने रोक लगा दी थी तो तब भी इन्होंने लुकमा चुकमी है ना वो काम किया था यहाँ पे, तो काम चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है और बेसमेंट का काम चलने लग रहा है। सामने ये पिवोटल है, फिर इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल है, और बगल से ये आपका 24 मीटर रोड है, ये लोकेशन है। इस तरीके से अभी इस साइट के ऊपर काम है। ये टावर फर्स्ट वाला है टावर नंबर 2, और इसके बैक वाला है टावर नंबर 3। शुरू में लोगों को ये डाउट था कि ये बनाएगा नहीं बनाएगा, डाउट तो अब भी है। यहाँ पे आएगा टावर नंबर 1, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये टावर नंबर 1 की है, पीछे प्रीजीडिया, और ये दीवार लगती है आपके हेरिटेज स्कूल की, और बिल्कुल दीवार लगती है इसकी। और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन आपको मिलने वाली है वो रहेगी प्रॉपर माइवन कंस्ट्रक्शन से, माइवन कंस्ट्रक्शन से ये प्रोजेक्ट है ना बनने वाला है। और आसपास का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा है, प्रीमियम प्रॉपर्टी है, आपकी कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी है, नो डाउट कि इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी में किसी प्रकार की कोई समस्या हो। ये बेस है इसका, और ये बेसमेंट का काम है नीचे का, जो कि पोडियम कार पार्किंग बनेगी, और इसके ऊपर से फिर आपके जो फ्लैट है वो स्टार्ट होंगे फर्स्ट फ्लोर से, नीचे फिर स्टिल्ट कार पार्किंग है। तो मतलब जो कार पार्किंग का जो साइज रहेगा वो आपका फ्री का नहीं रहेगा, आपको परचेज करना पड़ेगा अपने कार पार्किंग के लिए, जो स्पेस होगा वो परचेज होगा। फ्री की जो कार रहेंगी आपकी अंदर वो नहीं लगेंगी, वो रोड पे ही लगेंगी, फिर आपको परचेज करनी पड़ेगी। अभी कोई इसमें प्रोविजल नहीं है कि अभी ये साथ के साथ आपको जो कार पार्किंग का चार्ज है वो कितना होगा, कुछ कह नहीं सकते। इधर आ जाता है ये टावर नंबर 4 एंड 5, दो टावर ये इधर है, तो इधर भी काम चल रहा है, और जिस हिसाब से काम चल रहा है ये देंगे 4 साल में आपको प्रोजेक्ट को डिलीवर करेंगे। देखो कहीं ना कहीं हमारे मन में फिर भी एक डाउट रहता है कि कहीं यार मिले ना भी मिले, है ना। देखो वो तो एक डाउट हमेशा ही रहता है, किसी चाहे लग्जरी के अंदर जाओ किसी के अंदर चले जाओ। ये सामने आपका पिवोटल है, ऐसे ही खड़ा है जैसे पहले खड़ा था, और इसकी जो OC रुकी हुई है वो रोड की वजह से रुकी हुई है, क्योंकि रॉयल ग्रीन वाले ने तो अपना रोड है थोड़ा ठीक कर लिया, लेकिन ये रोड बना नहीं रही है। तो ये लोकेशन है दोस्तों, माइवन कंस्ट्रक्शन होने वाली है, और इसमें आपने देखा 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट हैं। अगर आपको इसको अप्लाई करना है, कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, तो आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करो दोस्तों, और शेयर भी ज़रूर करो ताकि लोगों को पता चले कि अब ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, हम ट्राई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी वैसे देखा जाए लोकेशन वाइज तो बहुत ही अच्छी है, बगल में आपका हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, ये 2 मेजर चीज़ें चाहिए होती है हमें लाइफ के अंदर, हॉस्पिटल और स्कूल, ताकि हम ऑफिस में आसानी से काम कर सकें। और यही रेंट वाला जो कस्टमर आएगा आपकी प्रॉपर्टी में, यही वो चाहेगा कि उसके बच्चे नज़दीक स्कूल के अंदर पढ़े, और किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है तो हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल ये बगल में है। बगल में अभी कोई देखो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है नहीं, इसके अंदर है ना सोसाइटी शॉप भी अवेलेबल है, जो ये रोड है इस 24 मीटर रोड फेसिंग की भी सोसाइटी शॉप है। अभी यहाँ पे रेट है सोसाइटी शॉप का 34-35 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का, लेकिन डील है वो आपको थोड़ी अच्छी मिल जाएगी यहाँ भी, अगर आप इसके अंदर इसी रोड के ऊपर इस 24 मीटर रोड फेसिंग की लोअर ग्राउंड फ्लोर और अपर ग्राउंड फ्लोर की शॉप आपको मिल सकती है। ये प्रोजेक्ट है टोटल 5.78 एकड़ का, आसपास लग्जरी है। जो कमर्शियल बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो एक्सटेंशन रोड के ऊपर है, इतनी दूर है एक्सटेंशन रोड। आप यहाँ से 2 तरीके से जा सकते हैं, सेक्टर रोड 60 मीटर रोड से, पाइनर पार्क से, और दूसरा सीधा 24 मीटर रोड से। तो दोस्तों ये था रॉयल ग्रीन प्रोजेक्ट की डिटेल, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है।
अभी राजवी के अंदर अगर जाना चाहते हैं तो 2-3 दिन के लिए आप और वेट करें इस प्रोजेक्ट के लिए। अगर मिलेनिया 37D के लिए जाना चाहते हैं, वो भी लाइव है, और अगर उसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं। राजवीक की एफिडेविट है वो आपको टेलीग्राम में डाल दी गई है, और रॉयल ग्रीन की भी एफिडेविट आपके लिए टेलीग्राम के अंदर डाल दी गई है। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।